हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2021। आपको तो याद होगा रिलायंस का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट होने वाला है ठीक परसों, यानी 30 अप्रैल को। साथ में कंपनी ने डिविडेंड देने का भी फैसला लिया। बट उसके पहले दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ चुका है, एक बहुत पुराना डील सऊदी अरब के साथ, जो कि अभी बातचीत करना स्टार्ट हो गया है। चलिए इस डील के ऊपर जितने भी न्यूज़ है सारे न्यूज़ बारीकी से पढ़ेंगे, साथ में रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के अंदर आपका आगे का क्या रणनीति हो सकती है उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहां पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं न्यूज़ के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स की वेबसाइट में। तो दोस्तों, ये न्यूज़ का अपडेट है आज की डेट में, यानी 28 अप्रैल 2021 2:01 PM का ये न्यूज़ है। चलिए न्यूज़ का हेडलाइन क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं, जो कि रिलायंस की शेयर होल्डर के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, सऊदी अरब को एंड इंडियस रिलायंस डिस्कस कैश एंड शेयर स्टेक डील। दोस्तों, आपको याद होगा रिलायंस इंडस्ट्री के साथ सऊदी अरब का ये डील को लेकर जो बातचीत स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर 2020 ठीक जून जुलाई के महीने से, यानी आज तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 10 से 11 महीना होने जा रहा है, और ये डील को लेके कोई आगे का प्रोग्रेशन नहीं देखने को मिला। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था, इंडिया के अंदर लगातार कोरोना वायरस का केसेस बढ़ता जा रहा था, और जो पूरा ग्लोबली जो कोरोना वायरस को लेकर पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, इसके कारण हमें ये डील को लेकर इतना ज़्यादा डिलेट होता हुआ नज़र आया। बट अभी यहाँ पे बातचीत फिर से स्टार्ट हो गया, उसको लेके पूरा का पूरा न्यूज़ है। चलिए नीचे चल के पूरा डिटेल में न्यूज़ पढ़ लेते हैं। देखिए, सऊदी अरबिया हैज़ हेल्ड टॉक विथ मुकेश अंबानीज रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, सऊदी अरब ने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया अबाउट अ कैश एंड शेयर डील फॉर अ स्टेक इन द इंडियन कंपनी रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल अर्म्स, यानी रिलायंस की बातचीत बोल रहा है यहाँ पे। एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर सिक्स टू डिपेन टाइज विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी कंज्यूमर। उसके साथ साथ डील के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि थ्री पीपल फैमिलियर विद द मैटर सेट टॉक वेयर रिवाइव इन रिसेंट वीक टू फाइनलाइज स्टेट एनर्जी जाइंट सऊदी अरब को एक्विजिशन 20%। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के अंदर टोटल 20% स्टेक खरीदने जा रहा है, जिसका जो वैल्यू है, वैल्यूएशन है करीबन $15 बिलियन। दोस्तों, $15 बिलियन, 1 बिलियन मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से करीबन 7 से 7.5 हज़ार करोड़ रुपए। तो $15 बिलियन का ये डील होने जा रहा है, यानी करीबन अगर आप डील का वैल्यूएशन इंडियन रुपये में कैलकुलेट करोगे तो करीबन 1 लाख से 1 लाख 10 हज़ार रुपये के आसपास ये इतना बड़ा मेगा डील होने जा रहा है। उसके बाद कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो, द इन्वेस्टमेंट हैज़ बिन डिलेड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, जो कि मैं अभी आपको कहा कि लास्ट ईयर कोरोना वायरस की पैंडेमिक के कारण पे ये डील जो होने वाला था वो इतना ज़्यादा डिले हुआ। इट्स फॉल आउट ऑन फाइनेंस ऑफ सऊदी अरब को विच जनरेट द बल्क ऑफ द किंगडम्स रेवेन्यू एंड इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर टू हैंड आउट $10 बिलियन ऑफ डिविडेंट टू द स्टेट। तो दोस्तों, ये तो सऊदी अरब का बात हो गया, बट जो मुद्दे की बात ये है कि दोस्तों, सऊदी अरब के साथ ये रिलायंस का जो डील, ये फिर से बात करना स्टार्ट हो गया। और आपको याद होगा आज से करीबन 1 से 2 महीने पहले मैं रिलायंस के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था, जहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने खुद कहा है कि रिलायंस का जो इस बार AGM होगा, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, उसके पहले दोस्तों सऊदी अरब के साथ एंड रिलायंस इंडस्ट्री का ये जो स्टेक सेल करने का जो डील है, 20% स्टेक सेल करने वाला है रिलायंस, करीबन 15 बिलियन का वैल्यूएशन है, ये डील के ऊपर फाइनलाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, रिलायंस का भी परसों Q4 का रिजल्ट आउट होने वाला है, साथ में डिविडेंड भी आने वाला है, तो उसके पहले इतना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़, अब रिलायंस की शेयर प्राइस में दोस्तों विस्फोट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। दोस्तों, एक्चुअली बात यह है कि न्यूज़ पहले आ जाता है, मतलब देखिए, पहले हमें कोई भी कंपनी का जो इंटरनल न्यूज़ है वो हमें बाद में पता चलता है, बट उसके शेयर प्राइस में जो मूवमेंट है वो हमें पहले से ही पता चल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट कुछ टाइम से रिलायंस का शेयर प्राइस 1900 के नीचे चला आया था, बट लास्ट आप अगर देखोगे 2-3 ट्रेडिंग डेज से शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिला।
ठीक है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो क्वार्टर फोर का रिजल्ट, साथ में डिविडेंड वो तो है, साथ में ये डील का भी न्यूज़ है। तो दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इनकरेज जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो दोस्तों अगर करंट सिचुएशन अगर बताएं, RSI इंडेक्स वो 50 के ऊपर चल रहा है, 51 के ऊपर, 52 के करीब, यानी नॉर्मल पोजीशन पे है। अगर बात करें लास्ट कुछ दिनों से, जो कि मैंने आपको कहा 1900 रुपये के लेवल पे यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट मिला। आपको याद होगा इसके पहले मैं एक वीडियो भी बनाया था रिलायंस के ऊपर कि रिलायंस के जैसे कंपनी के ऊपर आप शेयर उठाइए, और चाहे मेरा कितने भी पोर्टफोलियो हो जाए, चाहे आपका बजट छोटा है, चाहे आपका बजट बड़ा है, दोस्तों इंडिया का नंबर वन कंपनी रिलायंस को आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इसमें गिरावट हो सकता है टेम्पोरारी बेसिस के ऊपर, बट लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के दे सकता है। चलिए सपोर्ट लेवल का बात तो कर लिया कि ये जो 1900 का लेवल है ये करेंटली सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि ये 1850 से 1900 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बना हुआ था लास्ट टाइम जब मार्केट गिरावट में चल रहा था एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा था, तो एक हफ्ता पहले यहाँ पे 1900 के लेवल पे सॉलिड सपोर्ट मिला। अब बात करूँगा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। लास्ट टाइम जब रिलायंस की शेयर प्राइस में यहाँ पे तेज़ी आया था तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया 2200 के लेवल पे, ये जो लेवल है यहाँ पे। अब देखिए कल हो सकता है कि अगर मार्केट बुलिश मोड में रहा तो शेयर प्राइस ये 2000 लेवल क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 2000 के लेवल पे उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस नहीं फेस करने का चांस कम है, बट ऊपर की तरफ ये जो 2200 का लेवल है ये एक सॉलिड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि ये आज से नहीं, अगर आप देखोगे लास्ट ये 6 महीने का चार्ट पैटर्न है, तो रिलायंस का शेयर प्राइस देखिए 2200 के लेवल पे एक बार, इसके पहले भी एक बार कोशिश किया था, दो बार, उसके पहले भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बार कोशिश किया था, ठीक, इस 2100 से 2200 के लेवल पे सॉलिड रेजिस्टेंस फेस किया। तो अब देखना ये है कि रिलायंस के ये जो शेयर है ये कितने दिनों में ये लेवल क्रॉस कर पाए। अगर ये डील फाइनलाइज्ड हो गया और रिलायंस का क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आया, हर एक क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर पर हमें जंप देखने को मिला, साथ में डिविडेंड भी बहुत तगड़ा देगा, तो शेयर प्राइस को दोस्तों आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, आपको 2000 की लेवल के आसपास रिलायंस का जैसे बढ़िया कंपनी का शेयर मिल रहा है, आप वेट मत कीजिए, क्योंकि रिलायंस जैसे कंपनी में दोस्तों आपको वेट करना सबसे ज़्यादा मूर्खता होगा। देखिए शेयर प्राइस हो सकता है टेम्पोरेरी बेसिस के इन फ्यूचर में और गिरे, 1900 रुपये में आ गया या 1850 पे आ गया, तो उस लेवल पे आप थोड़ा और शेयर ऐड कर लेना अपने पोर्टफोलियो में, यानी बाय ऑन डिप स्टडी से हर 50 पॉइंट्स की गैप में आप शेयर उठाते जाइए रिलायंस के अंदर। आज की डेट पे ये 2000 के लेवल पे चल रहा है, इस लेवल पे आप एक या दो आपके बजट के अकॉर्डिंग शेयर उठाइए, उसके बाद हो सकता है शेयर गिरते गिरते 1950 पे आ गया, तो उस लेवल पे आप कुछ शेयर उठाइए, उसके बाद और गिर गया 1900 लेवल पे आ गया, क्योंकि उस लेवल पर और कुछ शेयर उठाइए, इसको बोलता है बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। क्योंकि रिलायंस जैसे शेयर के अंदर दोस्तों आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, जिस लेवल पर आपको मिल रहा है आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा लास्ट ईयर पर जब डील के ऊपर बातचीत चल रहा था तो शेयर प्राइस एकदम जंप लगा के 2300-2400 के लेवल पर चला आया था, जो कि आज के डेट में आपको 2000 के लेवल पर क्लियर कट मिल रहा है। अगर बात करें बुलिंजर बैंड का, तो बुलिंजर बैंड का जो अपर बैंड का नंबर निकल कर है 2049 रुपये, इसके ऊपर हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो मार्केट का किस ट्रेंड में चलता है, बट रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों क्वार्टर फोर का रिजल्ट अगर ठीक ठाक आया तो ये आराम से क्रॉस करके निकल जाएगा 2100-2200 के लेवल, जो कि कुछ टाइम पहले मार्च की एकदम सेकंड पहने पे चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो 2200 लेवल जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था वो आराम से ब्रेक करके निकल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे आज की डेट में कैसा कारोबार देखने को मिला रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर प्राइस में। आज मामूली सा तेज़ी देखने को मिला, कोई खास तेज़ी नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 1993 पे आज क्लोजिंग दिया। देखिए रिलायंस जैसे शेयर में क्वालिटी स्टॉक है, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि क्वालिटी स्टॉक चुनने का, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक में दोस्तों हमेशा आपको डिलीवरी ज़्यादा देखने को मिलता है, करीबन 50% के करीब आपको डिलीवरेबल परसेंटेज आज के डेट में देखने को मिला। दोस्तों और एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको कि रिलायंस का फाइनेंशियल रिजल्ट एंड डिविडेंड साथ में देगा कंपनी इस बार 30th of April 2021, यानी परसों फ्राइडे के दिन आपको देखने को मिल जाएगा। आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ रिलायंस इंडस्ट्री का क्वार्टर फोर का रिजल्ट तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और तुरंत सबसे पहले आप वीडियो देख सके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक करके एनकरेज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।